आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर मध्य और शहर दक्षिण से अपक्ष उम्मीदवार एप्पल सेब निशान लेकर चुनावी मैदान में उतरे सोलापुर शहर के माजी नगर सेवक तौफीक पहलवान, जिनकी सोलापुर शहर मध्य में हो या शहर दक्षिण में एक अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है, लेकिन वो आज अपना चुनावी दौरा यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो है इस बार वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या कुछ लोगों के मन में है, किस प्रकार जो है इस चुनावी मैदान में 2014 से आप जो है विधानसभा इलेक्शन लड़ना शुरू किए हैं, 2019 में आपने गैप किया था, लेकिन इस बार 2024 में दोबारा अपक्ष की भूमिका पर लड़ते हुए चुनावी मैदान में उतरे। महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा इलेक्शन लग चुका है, 20 नवम्बर को मतदान है, 23 तारीख को निकाल है। तो आपसे अभी आगे की स्टोरी, पहले की स्टोरी आप सब लोग को मालूम है, हमारे टिकट नहीं मिलने की वजह से मैं अपक्ष उम्मीदवारी भरा और इंशाल्लाह मुस्लिम समाज बौद्ध बांधव हमारे पूरे है, सभी मेरे साथ है, प्रमोद दादा है, हमारे महेश है, हमारे डीजे है, जादव है, अक्षय है, जितने हमारे साथी है, इनकी एक मोहब्बत है, एक लगाव है कि वो हमारे यहाँ के लोग की सोच क्या है, हमारे मोहल्ले का, हमारे शहर का स्थानिक आमदार होना, ताकि 24 घंटे अवेलेबल रहकर उनके मसले मसले हल होना, काम होना, ऐसे हमारे लोग की सोच है। महाविकास आघाड़ी का एक सीधा तौर पर कहना है कि महाविकास आघाड़ी की जहाँ जहाँ पर उम्मीदवार होंगे महाविकास आघाड़ी के नेता उनके लिए प्रचार करेंगे, लेकिन आपने जो है महाविकास आघाड़ी के आगे जाकर जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो क्या महाविकास आघाड़ी को इससे कोई फर्क पड़ेगा? आप सब लोग को मालूम है पूरी स्टोरी, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र राज्य में 3 पक्षीय सरकार है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना ठाकरे साहब की। हमारी मांग ये थी मुस्लिम समाज की उम्मीदवारी दो, बौद्ध समाज को दो, वो हमें नहीं दी गई, इसलिए हमारे हमने राय मशवरा किया हमारे पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, रिश्तेदारों से, वो बोले कि उम्मीदवारी नहीं मिली हरकत नहीं, आप आपस जो खड़े हो जाओ, इंशाल्लाह आगे जो होता है देखा जाएगा, हमारे सबका साथ आपके साथ है, सिर्फ हमको जातिवाद शक्तियों को नष्ट करना है, हमारा हक का आमदार होना, हक का कार्यकर्ता होना, ऐसी हमारे जो लोगों की भावना है। सोलापुर मध्य की हो या सोलापुर दक्षिण की जनता हो, इस बार जो है सबसे बड़ा प्रश्न जनता के बीच में यही है कि पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, तो इन समस्याओं को लेकर जनता के बीच में तौफीक पहलवान किस प्रकार से जो है जनता से सामने जाएंगे? देखो आप सब लोग को मालूम है सोलापुर शहर में महानगर पालिका में भाजपा की सरकार थी, सत्ता उनकी थी, 5-6 दिन के बाद पानी हरिद्वार को आता था, सिटी में भी 3-4 दिन के बाद आता था, पानी की समस्या है, जो उजनी की पाइप लाइन है, धोरी जो पाइप लाइन है, कई सालों से पेंडिंग है, सिर्फ लोगों ये करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी रही, सब लोग का दुआ रही, आशीर्वाद रहा, अगर मैं चुनकर आया हरिद्वार का पानी का मसला भी हल हो जाएगा, प्रॉपर्टी कार्ड का मसला हल हो जाएगा, और यहाँ पर जितने झोपड़पट्टे हैं जो हमारे गरीब भाई बहने रहते हैं, इंशाल्लाह झोपड़पट्टी मुक्त भी ऐसा करने का मेरा इरादा है, और बेरोजगारों को रोजगार किस तरह लाना, शासन की स्कीम क्या है, राज्य की हो, केंद्र की रंदे, वो इंशाल्लाह देखकर हम और दक्षिण की जनता को क्या आह्वान करना चाहेंगे? तौफीक पहलवान आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे कि इस बार चुनावी मैदान में क्या बोलेंगे? और आप सब लोग को मालूम है शास्त्री नगर में भी पानी का प्रश्न है, ड्रेनेज का मसला है, कई जगह पर रोड़ा नहीं है, तो सिर्फ हमारे दक्षिण मध्य के और यहाँ के लोगों का आह्वान यही चलेगा, जो आपके सुख दुख में आने वाला है आप उसे साथ दीजिए, किसी के बहकावे में दिशा बल में ना आते हुए एक अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता को इंशाल्लाह आप साथ दीजिए, दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और इंशाल्लाह जो मुकदमे में होकर रहेगा। तो ये थे हमारे साथ तौफीक पहलवान, जिन्होंने साफ तौर पर अपक्ष उम्मीदवार की भूमिका में चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिन्होंने साफ तौर पर जो है विकास को लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरकर जो है विरोधकों को जो है कड़ा इशारा दिया है। कैमरा पर्सन के साथ मैं आकीम मड़की, आजादी बचाओ न्यूज के लिए जय हिंद।